Mose Chhal Kiye Jaaye. सब ठीक है? जी, सब ठीक है. सौम्या, आज तुमको पता है ना, माय सन अरमान के लिए बहुत स्पेशल डे है, बिग डे. लेकिन तुम्हें देखकर नहीं लग रहा है कि तुम उसकी सक्सेस से हैप्पी हो. नहीं, ऐसा नहीं है. मैं बहुत बहुत खुश हूं अरमान के लिए. चलो फिर जल्दी से आ जाओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाली है. जी. आओ. शायद शो के स्ट्रेस की वजह से ही अरमान ने ऐसा बर्ताव किया हो मेरे साथ. खैर, आज का दिन बहुत स्पेशल है अरमान के लिए. आज बस अरमान की खुशी में उनके साथ रहना चाहिए मुझे. Really happy for him. Thank you guys, thank you so much. Thank you for your support guys. I'm so glad and so grateful. Oberoi Telefilms ka sabse grand show use itni achhi response mili hai. And I'm sure ki TRPs mein bhi hum sare records break karne wale hain. So guys, if you want to ask anything, you can just proceed. Arman ji, आपको ये कहानी कैसे मिली? मिली नहीं, शायद ये कहानी मेरे दिमाग में सोते हुए आई और उसके बाद इस कहानी ने मुझे सोने ही नहीं दिया, इसलिए आई रियली वर्क हार्ड ऑन इट और रिजल्ट आपके सामने. पर इससे पहले आपके शोज या तो लव स्टोरीज होती थी या एकदम ड्रामेटिक, तो इस नई कहानी पे शो बनाने का रिस्क क्यों लिया? नहीं नहीं, रिस्क नहीं, चैलेंज. चैलेंज लिया, वो भी खुद से. ये कहानी अलग है. It is not a love story. ये कहानी है एक मिडिल क्लास स्मॉल टाउन लड़की की जो अपने सपनों को लेकर एक बड़े शहर में आती है, जीतना चाहती. You know, मैंने ऐसी कई लड़कियों को देखा है जो स्मॉल टाउन है, मिडिल क्लास से आती हैं, मुंबई में आकर कुछ बनना चाहती हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहती हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती कई बार, क्योंकि उन्हें रोका जाता है. उन्हें कहा जाता है कि तुम एक लड़की हो, घर पे बैठो. तुम एक बहन, एक बीवी या फिर एक माँ बनने के लिए. लेकिन फिर भी जिसमें जज्बा होता है वो लड़की आगे बढ़ती है, अपने सपनों को पूरा करती है. ये कहानी भी एक ऐसी ही अचीवर की है. तो दिस टाइम वी थॉट कि हम कोई लव स्टोरी नहीं बनाएंगे, कोई नॉर्मल ड्रामा नहीं, बट दिस टाइम इट विल बी अ स्टोरी ऑफ एन अचीवर, अ गो गेटर. आपको इतने अच्छे रिस्पॉन्स की उम्मीद थी? ऑफ कोर्स थी, क्योंकि टाइम्स हैव चेंज. वो टाइम गया जब औरतों के सपनों को तोड़ दिया जाता था. दिस इज 2022. ये विमेन एम्पावरमेंट का जमाना है एंड इट्स टाइम फॉर आवर कंट्री टू चेंज. और हमारे शो के फर्स्ट एपिसोड की ऐसी ओपनिंग, दिस सक्सेसफुल ओपनिंग इज अ प्रूफ कि ये शो हमारे देश की उन सभी औरतों की आवाज है जो अपने मन की बात नहीं कह पा रही. Thank you guys, thank you so much. And now, please welcome our leads on the floor. Manjhe se preet ki dori, ranjhe sa yaar paya.
गलती तुम्हारी है सौम्या, तुमने मुझे एम्बेरस किया है, यू शुड फील सॉरी। हाँ मैं गुस्से में था, लेकिन एक वाइफ पेशेंस से, प्यार से, शांति से अपने हस्बैंड को शांत कर सकती है। लेकिन तुमसे तो ये होगा नहीं, क्योंकि तुम्हें तो लड़ना है, झांसी की रानी बनना है, राइट? सुबह से मैं नॉर्मल ही बिहेव कर रहा हूँ, तुम ही हो जो ये सैड फेस बनाकर घूम रही हो। एनीवे, सुबह तो खराब हो गई है, बस पूरा दिन मत खराब करना। वैसे गलती हो गई मेरी, चैनल टीम के सामने तुम्हारे खाने की बहुत तारीफ कर दी मैंने, इसलिए सेल्फ इन्वाइट कर लिया उन लोगों ने, लंच पे आ रहे हैं वो लोग तुम्हारे हाथों का बना हुआ टेस्टी इंदौरी खाना खाने के लिए। वैसे दूसरी सारी वाइफ्स अपने हस्बैंड्स के लिए, उनकी प्राइड के लिए ये सब खुशी खुशी करती हैं, लेकिन अगर तुम्हें नहीं करना है ना, दैट्स ओके, शेफ बना देगा सब कुछ, बस ये सैड विक्टिम फेस का मास्क है ना, ये उतार के वेलकम करना उनका। मैं आपके किसी भी गेस्ट को नहीं मिलूंगी, मेरे लिए कल रात की बात बहुत बड़ी थी। शायद आपके लिए कल रात जो हुआ वो बहुत मामूली था, आपके हिसाब से आपने तो बस एक वास तोड़ा है, लेकिन मेरे लिए मेरा भरोसा, मेरा दिल, मेरा सम्मान टूटा है, और मैं आपके गेस्ट के सामने सब कुछ नॉर्मल होने का नाटक नहीं कर सकती। You know what, यही प्रॉब्लम है तुम्हारी, तुम्हें प्यार से कोई बात समझ में ही नहीं आती। वो ऐसी कहीं ऐसा तो नहीं है कि दो चार एपिसोड्स लिख के तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? Listen, I'm Armand Oberoi. दो सेकंड लगेंगे मुझे बड़े से बड़े राइटर को लाकर प्रोजेक्ट पे काम करवाने के लिए। And get this thing really clear in your head, कि तुम्हें इस राइटिंग की अपॉर्चुनिटी देकर I have done a favor on you. Favor? Arman? That's all. नहीं हो रहा, कोई अपनी बीवी के साथ ऐसे कैसे बिहेव कर सकता है, और फिर अगले दिन एकदम नॉर्मल। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।